जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने CAA के बारे में बात करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उठाती है। मुफ्ती ने आगे कहा कि ये सभी मुल्क को आगे ले जाने के बजाय हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तमाम विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इन मुद्दों का सहारा लेती है। पत्नी की अस्वस्थता के चलते नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सिद्धू ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी की देखरेख करनी है, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बीजेपी और चिराग में सहमति भी बन गई है। आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और चिराग की मुलाकात हुई थी, जिसमें इस गठबंधन पर सहमति बनी है। इसके अलावा पशुपति पारस को राज्यपाल का ऑफर दिया गया है। बिहार में LJP के कोटे की सभी 5 सीट चिराग को मिली है। कांग्रेस को 105 करोड़ के टैक्स वसूली के नोटिस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल यानी ITAT के उस ऑर्डर को चुनौती दी थी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वाराणसी की MP MLA अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बांदा जेल में कैद मुख्तार के खिलाफ फर्जी लाइसेंस का यह 8वां मामला था जिसमें फैसला सुनाया गया है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।